देवी आराधना के महापर्व नवरात्र की शुरुआत 7 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में होने जा रही है। इसको लेकर छिंदवाड़ा में दुर्गा पंडालों में तमाम तरह की व्यवस्थाएं और साज सजावट का कार्य समितियों द्वारा शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोजक समितियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से शासन द्वारा जारी हिदायतों को भी तरजीह दे दी है और पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले दर्शक गणों के लिए सैनिटाइजर मास्क की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जा रही है। परसों से शुरू होने वाले देवी आराधना के पर्व महापर्व नवरात्र की शुरुआत परसों से हो जाएगी। इसको लेकर के छिंदवाड़ा शहर में तमाम पंडालों में तैयारियां शुरू कर ली गई है। बड़ी बड़ी समितियों ने इसके लिए तैयारियां कमर कस ली। इसकी तैयारियों को लेकर के आज हम छिंदवाड़ा के पुराना नागपुर नाका दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों के साथ खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक भव्य पंडाल का यहाँ पर सजावट की गई है। माता रानी की बैठक के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इन्होंने तमाम नियमों का पालन करते हुए ये तैयारियों को किया हुआ है। और क्या कुछ तैयारियां की है इन्होंने, इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ समिति के कुछ सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं नितिन भुतेकर। नितिन जी ये बताइए, कोविड संक्रमण काल के चलते शासन ने कुछ नियम तय किए हैं कि नियमों का पालन करते हुए आपको दुर्गोत्सव मनाना है, उसको देखते हुए आपने किस तरह की तैयारी की हुई है? पिछले साल भी कोरोना था, इस साल भी अभी कोरोना पूरी तरह से टला नहीं है। अभी वर्तमान पिछले 2 सालों से जैसा कि कोरोना का संकट चला है, प्रशासन की जो गाइडलाइन के तहत हम लोग इसको फॉलो करते हैं और अभी तक के हमारे पास में प्रशासन की कोई गाइडलाइन आई नहीं है। उसी के तहत हम इस बार भी पिछले साल जैसा कोरोना को लेकर हमने पालन किया था, इस बार भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमारे पंडाल में पूरा सैनिटाइजर का उपलब्धता रहेगी और जो भी दर्शनार्थी इसमें देखने के लिए आएंगे उनको भी बराबर दूरियों का एक समावेश उनको भी रखेंगे और जो भी इसकी गाइडलाइन आएगी उसका पूरा पालन करेंगे। कितने वर्ष हो गए इस समिति को दुर्गा उत्सव मनाते हुए? ये हमारा 16वां वर्ष है। तो देखा आपने, 16 वर्षों से ये समिति इस तरह का आयोजन करती आ रही है। इस बार बहुत अच्छी बात है कि समिति के सदस्यों ने बिना प्रशासन की गाइडलाइन के खुद एहतियातन तौर पर सैनिटाइजर मास्क और लोगों को प्रॉपर दूरी मेंटेन करने के लिए कहा है। इसी तारतम्य में आज हम छिंदवाड़ा के नवनिर्मित कॉलोनी श्री गणेश विहार में आए हैं। ये चूंकि नवनिर्मित कॉलोनी है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक नई समिति का गठन किया गया है। पहली बार ये लोग दुर्गोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। सुसज्जित तरीके से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। सामने वाला जो गेट है उस गेट से लेकर के कॉलोनी के एंट्रेंस तक के बाकायदा इन्होंने डेकोरेशन पूरा प्रॉपर मात्रा में किया हुआ है और कोशिश की है कि इस पंडाल को पूरी तरह से भव्य सुसज्जित बनाया जा सके। और क्या कुछ तैयारियां हैं, चूंकि कोविड संक्रमण पूरी तरह से टला नहीं है, समिति के एक सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं देवेंद्र बिशेन। देवेंद्र जी ये बताइए, पहली बार इस दुर्गोत्सव का आप आयोजन कर रहे हैं, ये नवगठित कॉलोनी है, नवगठित समिति है, तो क्या कुछ तैयारियां आपने की हुई है? प्रशासन ने अभी कोरोना पूरी तरह से टला नहीं, इसको लेकर के कुछ हिदायतें जारी की, उसको लेकर के भी क्या कुछ तैयारियां जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ये कोरोना काल में आफ्टर 2 साल से जो परेशानियां चलती रही, इसलिए हम लोगों ने एक कॉलोनी कैंपस में बाउंड्री वॉल से कंप्लीट है एक गेट है जहां पर व्यवस्था सैनिटाइजर मास्क और डिस्टेंसन जो 2 फीट की दूरी है वो बनाए रखने के उद्देश्य से सारी हिदायतें दे रखी है। उस आधार पे यहां पे हम कॉलोनी में मतलब एक दूसरे से दूरियां बनाकर सब कार्यक्रम को आयोजित किया जाए, इस उद्देश्य से यहां पे कार्यक्रम को, ये पहली बार है जो हम श्री गणेश विहार दुर्गा उत्सव समिति के माध्यम से कॉलोनी में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जैसा इन्होंने बताया कि पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन इस कॉलोनी में किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस समय में जो मूर्तिकार मूर्ति की सजावट करते एक ऐसे स्थल पर आया हुआ हूँ। मेरे पीछे एक मूर्ति लगभग पंडाल में जाने के लिए तैयार है, आप मुझे देख भी सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी है, पंडाल में जाने के लिए रेडी है। इन चित्रकारों से, इन मूर्तिकारों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ तैयारियां इस बार नवरात्र में किस तरह की मूर्तियां इन्होंने बनाई है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। ये बताइए कि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते हुए कितनी बड़ी मूर्तियां आप बना रही हैं और मूर्तियों में किस तरह की साज सजावट कर रही हैं? और किस तरह की साज सजावट इस बार विशेष कुछ ऐसा कर रहे हैं? मजा नहीं आ रहा। क्या वजह है कि आपको इस बार उत्साह ज्यादा नहीं लग रहा है इसमें?
महंगाई चलती हुई कोरोना काल चल रहा है, सभी परेशान है, सभी परेशान उनकी कार जी। अपना नाम नितेश पूजा का। नितेश जी बताइए, इस बार उत्साह कम क्यों है? क्या है उत्साह कम होने का कारण जो हो रहा है कि मूर्ति खरीदने वाला भी उनके भी रोजगार नहीं है, मूर्ति बनाने वाला कोई रोजगार नहीं है, सभी परेशान है। अब जैसे कि हमारी मूर्ति दस हज़ार की मूर्ति है, अब हम खरीद कर चलते हुए भाई लोगों को बहुत सस्ती कीमत दे रहे हैं, हमारे लिए सब सामान मार्केट से लेकर पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया, हमारी मूर्ति को रेट आदमी होगा हमारे समाज। निश्चित तौर पर उनका कहना बिल्कुल सही है, कोरोना संक्रमण के चलते इन मूर्तिकारों पर पिछले दो साल से एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट गहरा रहा है, जिसके चलते इन्हें मूर्तियों के जो दाम पहले हमेशा मिलते चले आ रहे थे घटते में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, जिससे इन पर आर्थिक संकट बहुत बड़ी मात्रा में आन पड़ा है। अतुल गजबीये, साधना न्यूज, छिंदवाड़ा।